इस बात को समझ। एट चीज जो है प्रपोजल, ठीक, और जो है मैरिज, रिश्ते नहीं आ रहे डिप्रेस, ये वजीफा, ये पढ़ रहे, वो खा रहे, वो पी रहे, ये चिपका रहे, ये ठोक रहे, ये लगा रहे, ये लटका रहे, क्यों रिश्ते नहीं आ रहे। और बच्ची डिप्रेस, अब ये रिजेक्ट करते और डिप्रेस, मतलब जमीन के अंदर 1 फीट, फिर जमीन के अंदर 2 फीट, जमीन के अंदर 3 फीट, जमीन के अंदर 4 फीट, फिर बोलते अभी जिंदा लिटा दो हमको ले जाके, इतने डिप्रेस हो गए हम। 10 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, 10 लोगों ने, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड लाने से आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा। कोई आपको रिजेक्ट करा तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अल्लाह ने उससे बचा लिया। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक इंसान है बहुत मोटा है और कोई उसको पलट कर देख रहा है तो नेगेटिव एटीट्यूड ही है। क्या कोई देख रहे हैं मेरे को, मोटे देख रहे क्या? पॉजिटिव एटीट्यूड है, सब मुझे देखते हैं माशाल्लाह। अगर वो ये सोचे कि इंसान उसके मोटापे, समझ लीजिए कोई उसको देख रहा है, सब देख रहे, सब डिप्रेस। अगर वह यही सोचे, सब देख रहे हैं, पॉजिटिव, समझ, तो आया ठीक, नहीं आया अच्छा, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह को मंजूर नहीं होगा। कितना अच्छा है ना कि नहीं रे चले गए वो, दूसरा भी चले गए वो, तीसरा चले गए वो, सब चले जा रहे आके, डिप्रेस, अब क्या, मैं लटक जाती बस, अब बस तो अम्मी को बोल देना बाद में फिक्र मत करो, तुम देख लेना मैं लटक जाती, मैं फलां कर लेती, हम ये है, बीमार हो जा रहे, क्या क्या कर ले रहे अपने आप को, डिप्रेस मत होइए, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रपोजल और मैरिज एक वजह होती है। नाइन्थ चीज जो है